राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा हनुमानगढ़ के द्वारा विरोध में आज ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुमोदन किया गया। विगत राजस्थान सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी अधिकारियों के लिए 2022 में ही लागू की जा चुकी है, परंतु वर्तमान में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करने का मन बना रही है, जिसका राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील किसी भी परिवर्तन या संशोधन को पूरी तरह से खारिज करता है व इसका विरोध करता है। राजस्थान के सभी कर्मचारियों अधिकारियों में इस एनपीएस व यूपीएस स्कीम पर गंभीर नाराजगी है। यदि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना में किसी प्रकार का बदलाव करेगी तो कर्मचारियों में रोष उत्पन्न होगा, कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे तथा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यूपीएस के विरोध में सभी जिला शाखाओं द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार तथा माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया। आज पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जो एनपीएस का संशोधन करके यूपीएस लागू किया सरकार ने कर रही है, इसके विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ये एक कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है। पहले एनपीएस और वही एनपीएस को ही तोड़ मरोड़ करके और यूपीएस लागू किया जा रहा है, तो ये कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए हम सभी, अगर ये राज्य सरकार नहीं मानेगी तो इसका विशाल स्तर पर हम जयपुर भी प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली तक अगर हम संयुक्त महासंघ कर्मचारी के साथ अगर हमें सहयोग देना पड़ेगा तो वो भी हम देंगे। आपका परिचय दे। ओम प्रकाश नांदेवाल, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।